आज के इस वीडियो में हम लोग, ये वीडियो नंबर सेकंड है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2011 का ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, तो वो प्री का है। तो प्री का पहले प्री और मेंस होता था, तो प्री का 2011 का क्वेश्चन पेपर है। तो ये वीडियो नंबर सेकंड है, तो फर्स्ट वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 153 से शुरू करते हैं, और इसके पहले वीडियो में हम लोग 152 तक डिस्कस किए थे। तो 153 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज आप, जो अभी ट्रांसजेनिक एनिमल इस समय हैं तो मैक्सिमम नंबर में कौन से हैं, फिश है, फिश, माइस, पिग और काऊ। तो ये तो चारों क्या हैं, 153 चारों क्या हैं, ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं। बट अभी की जो बात कर रहा है, तो अभी ट्रांसजेनिक जो इसमें अगर आप बात करेंगे माइस के, तो ऑप्शन नंबर इसमें माइस, ऑप्शन नंबर माइस राइट, मतलब चूहा होता है माइस मीन्स। तो 95% अभी ये शो करता है एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 देख लीजिए, ये क्वेश्चन कह रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन ये अगर क्वेश्चन आप समझ ले गए तो कभी क्वेश्चन ये गलत नहीं करेंगे, अगर सेकेंडरी सक्सेशन और प्राइमरी सक्सेशन पे क्वेश्चन पूछता है। तो सेकेंडरी सक्सेशन मीन्स सेकेंडरी सक्सेशन वहाँ पे फॉलो होगा, जैसे सेकेंडरी ये कह रहा है क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सेकेंडरी सक्सेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो सेकेंडरी जो सक्सेशन होता है वो उस जगह पे होता है, जैसे मान लीजिए कहीं पे फॉरेस्ट पहले से था, अब फॉरेस्ट क्या हो गया, फॉरेस्ट को वहाँ से काट के, सब काट के नष्ट कर दिया गया, डिफॉरेस्टेशन जिसको कहते हैं, काट दिया गया, अब वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन शुरू होगा वहीं पे जहाँ से पहले से कोई चीज़ प्रेजेंट था और वो नष्ट हो गया। जैसे नदी तालाब कहीं बाढ़ की वजह से मान लीजिए कोई गांव था, एक बाढ़ आया, पानी बहुत तेज आया और वो क्या हो गया, वो गांव ही मतलब डूब गया उसमें, अब वहाँ पे सेकेंडरी सक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। सेकेंडरी सक्सेशन वहीं देखने को मिलेगा जहाँ पहले कोई प्रेजेंट था वो नष्ट हो गया। तो ये देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन इट बिगिंस ऑन बेयर रॉक, इट अकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट, फॉलो प्राइमरी सक्सेशन, इट इज़ सिमिलर टू प्राइमरी सक्सेशन एक्सेप्ट दैट इट हैज़ रिलेटिवली फास्ट। तो अब ये क्वेश्चन आप कौन सा सॉल्व करेंगे, ऑप्शन कौन सा इसमें लगाएंगे, ऑप्शन इसमें आप लगाएंगे इट अकर्स ऑन डिफॉरेस्टेड साइट। तो 154 का ऑप्शन नंबर आप कौन सा सही लगाएंगे, बी ऑप्शन 154 का कि सेकेंडरी सक्सेशन वहीं शुरू, उस एरिया में शुरू होता है जहां पे किसी वजह से वो वहां पे जो रहते हैं वो डिस्ट्रॉय हो गया हो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 देख लीजिए, दी इन यू बैक्टीरिया ये सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल्स यूकैरियोटिक सेल्स। ये क्वेश्चन कह रहा है कि यू बैक्टीरिया में सेलुलर कंपोनेंट जो होता है वो दिखता है यूकैरियोटिक सेल की तरह, इसमें क्या चीज़, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो यू बैक्टीरिया में होता ही नहीं है, सेलवाल तो होता है बट यूकैरियोटिक तरह नहीं दिखता, क्योंकि यू बैक्टीरिया में सेलवाल जो है स्पेशल टाइप की होती हैं, जैसे पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी होती हैं, राइबोसोम भी नहीं, राइबोसोम क्योंकि यू बैक्टीरिया में 70 यस टाइप होता है और यू बैक्टीरिया में जो होता है यूकैरियोटिक में, ये तो प्रोकैरियोटिक है ना बैक्टीरिया, तो प्रोकैरियोटिक में 70 यस टाइप राइबोसोम और यूकैरियोटिक में 80 यस राइबोसोम पाए जाते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन यू बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया होता है यूकैरियोटिक के समान दिखता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 156 देख लीजिए, ये कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग डाइवर्स एलील, ये तो एकदम आप जर्म प्लाज लगाइए, जैसे ही एक कलेक्शन ऑफ प्लांट एंड सीड हैविंग डाइवर्स एलील आपको दिखे ऑफ ऑल जीन्स, तैसे आप जर्म प्लाज कलेक्शन लगाएंगे, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ फॉर सम रीजन दी वासा इफरेंसिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक दी गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्राम। अब ये क्वेश्चन भी आसान है, अगर आपको पाथ स्पर्म का पाथ एकदम याद रहेगा ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए सरल है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन वासा इफरेंसिया को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि, तो पहले फर्स्ट पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेटी टेस्टिस लिख लीजिए, रेटी
TESTIS रेटी टेस्टिस के बाद क्या आता है, रेटी टेस्टिस के बाद आएगा आपका वासा इफरेंसिया आएगा, VAS वासा EFFERENSIA वासा इफरेंसिया आ जाएगा, वासा इफरेंसिया जाएगा। अब वासा इफरेंसिया के बाद आपका नेक्स्ट क्या आता है, उसमें आता है इपीडाइमिस आता है, इपीडाइमिस डी आई आता है, फिर डी वाई डाइडाइमिस इपीडाइडाइमिस के बाद आपका आता है वास डिफरेंस आता है, ये लिख लीजिए वास डिफरेंस। तो ये पाथवे आपका हो गया। अब वास डिफरेंस, अब ये क्या इसमें वासा इफरेंसिया ये देख लीजिए इसको ब्लॉक कर दे रहा है। तो आपका रेटी टेस्टिस से लेके इपीडाइमिस तक आपका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, किस चीज़ का, गैमिट का। तो अब ऑप्शन नंबर आप देख लीजिएगा इसमें एकदम, आप जब 157 का ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 157 का ऑप्शन नंबर जब आप करेक्ट करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन ही देखिए, आसानी से आप ये क्वेश्चन करेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 158, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेफ्रॉन। अब इसमें करेक्टली एक्सप्लेन करना है जो ह्यूमन नेफ्रॉन्स में होते, ह्यूमन के किडनी में नेफ्रॉन्स जो होते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में देखना है। तो 158 का फर्स्ट ऑप्शन देख लीजिए, ह्यूमन नेफ्रॉन्स में पोडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो क्रिएट करती हैं माइन्यूट स्पेस स्लिट पोर्स होता है फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इनटू द वुमेन्स कैप्सूल। जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का वुमेन्स कैप्सूल में तो वो स्लिट पोर्स के थ्रू ही होता है, पोडोसाइट्स के थ्रू। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट करेंगे। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट फ्लोरल फार्मूला। अब हमको इसमें क्या देखना है, करेक्ट फ्लोरल फार्मूला देखना है। तो चिल्स, अब पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि चिल्ली जो होती है, चिल्ली मीन्स मिर्च होती है, तो ये किस फैमिली का है। पहले उसके जितने भी एनसीईआरटी में चार फैमिली दिए गए हैं ना, उसको एकदम मॉर्फोलॉजी में चैप्टर में जाके एकदम उसके एग्जांपल, उसके फ्लोरल फार्मूला सब एकदम रटे होने चाहिए। तो चिल्ली जो होता है ये सोलेनेसी का होता है। अब सोलेनेसी में आपको ये पता होने चाहिए, फ्लोरल फार्मूला पता होगा तो आप ये क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो 159 का सोलेनेसी फैमिली का ये देखिए बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन ये देख लीजिए एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल कैलिक्स 5 क्रोला 5 एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये एकदम बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आप बी ऑप्शन लगाएंगे एकदम राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 160 भी यहीं पे दिया गया है। ये देखिए आर्टरी आर बेस्ट डिफाइंड एट द बेसल स्विच, आर्टरी को बेस्ट डिफाइंड करना है बेसल्स के रिस्पेक्ट में। तो आर्टरी जो होती है क्या करती है, तो 160 का ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए, हार्ट से ब्लड के अदर पार्ट में ये आर्टरी जो है ब्लड ले जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन देखिए, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट ऑर्गन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ये कैटेगराइज एज ए पैरासाइट इन ट्रू सेंस। अब पैरासाइट के रिस्पेक्ट में ये क्वेश्चन देखना है कि कौन सा करेक्ट है। तो 161 में सी ऑप्शन देख लीजिए, हेड लॉस जो जू होते हैं सिर में होते हैं, लिविंग ऑन द ह्यूमन स्कैल्प एज वेल एज लाइंग एग ऑन ह्यूमन हेयर। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ट्रू सेंस इसमें जो होता है पैरासाइट का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162, दी टेस्टिस इन ह्यूमन्स आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड पाउच। ये क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूमन में जो टेस्टिस होता है वो कहाँ पे होता है सिचुएटेड, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी जो होती है उसके बाहर होता है, इनसाइड पाउच कॉल्ड एक स्क्रोटम पाउच होता है उसी में टेस्टिस होता है। दी पर्पज सर्व्ड, तो ये एब्डोमेन कैविटी के बाहर टेस्टिस जो होता है उसका पर्पज क्या होता है, स्क्रोटम में होता है क्यों होता है, तो इसका एक मेन उद्देश्य होता है। 162 का ऑप्शन नंबर ये देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। जितना बॉडी टेम्परेचर होता है ना उससे कुछ टेम्परेचर, ये टेस्टिस को टेम्परेचर कम चाहिए, तो टेस्टिस में क्योंकि इस पर भी फार्मेशन होता ना, तो इसीलिए तो स्क्रोटम टेम्परेचर डाउन कर देता है। जितना भी बॉडी टेम्परेचर आपका रहेगा उससे कितना टेम्परेचर, एक बार तो एग्जैक्ट टेम्परेचर ही पूछा गया था कि कितना टेम्परेचर वो डाउन रहता है, कितना टेम्परेचर डाउन करता है, तो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड ये स्क्रोटम जो है टेस्टिस का टेम्परेचर डाउन करता है।
तो ये आप लोग डायरेक्ट इसका डाटा भी नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो है ऑप्शन फर्स्ट ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 163, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू किडनी फंक्शन रेगुलेशन। किडनी फंक्शन रेगुलेशन के रिस्पेक्ट में हम लोग को करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट दे रहा है, When someone drink lot of water, ADH release is suppressed। सही बात है, कह रहा है ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन जो होता है, ये क्या फंक्शन इसका होता है, एंटी डायबिटिक मतलब डायूरेसिस को रोक देगा। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी ड्रिंक करेंगे तो ADH रिलीज सप्रेस तो हो जाएगा, क्योंकि ये उस पानी की मात्रा अधिक हो गई ना, तो ADH रिलीज जो होता है वो सप्रेस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 164 देख लीजिए। एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी बीड्स इज यूज इन, एग्रोज जो होता है, एग्रोज जल जो होता है वो यूज किया जाता है, जल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है। तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 165, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंस इन द कॉमन काकरोच। अब इसमें काकरोच के रिस्पेक्ट में, जो कॉमन काकरोच के रिस्पेक्ट में देखना है क्या फॉलोइंग हैपेंस, क्या घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लीजिए, मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम कॉलन। नेक्स्ट बी देख लीजिए, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, और सी नाइट्रोजनस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन यूरिया, और द फूड, इसमें काकरोच की बात कर रहा है, काकरोच में द फूड इज ग्राइंड किया जाता है, मतलब उसको पीसा जाता है बाय मैंडिबल एंड गिजार्ड। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, कॉमन है ये हैपेंस काकरोच में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल। अभी बैक्टीरियल सेल में कैटलिस्ट कौन रोल प्ले करता है, तो 166 का ऑप्शन नंबर आप डी देख लीजिए, डी ऑप्शन 23 एस आर एन ए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 167, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है ना, तो उसका फिजियोलॉजिकल बैरियर मीन्स केमिकल वाला ये बैरियर है, तो केमिकल वाला आप कौन सा लगाएंगे, अब टीयर्स लगाएंगे, आंसू जो होता है आँख से निकलता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 167 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 168, द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन इन द रूट नोडल्स ऑफ लेग्यूमिनस। जो लेग हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ये ऑक्सीजन एक्सचेंजर का काम होता है, ऑक्सीजन को खा लेता है, तो ऑक्सीजन रिमूवल का काम करेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस हैज बीन यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट रेजिस्टेंट टू आरएनआई जो होता है, आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है ये इसमें यूज किया जाता है प्लांट के डेवलपमेंट में, तो निमेटोड के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 170, कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट, द गैमेटोफाइट ऑफ वैस्कुलर प्लांट टेंड टू बी। ये कह रहा है कंपेयर करना है गैमेटोफाइट, जो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट होते हैं उसके रिस्पेक्ट में वैस्कुलर प्लांट में जो गैमेटोफाइट होते हैं। जैसे वैस्कुलर प्लांट में क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आ जाएगा, टेरिडोफाइट आ जाएगा। तो गैमेटोफाइट जो होता है ब्रायोफाइट में, ये तो डिपेंडेंट होता है, स्पोरोफाइट इसके ऊपर डिपेंड होता है, और अगर इसमें वैस्कुलर प्लांट में बात करें तो इसमें गैमेटोफाइट डिपेंड हो जाता है स्पोरोफाइट पे। तो 170 का ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन आप लोग देखिए, स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। तो 170 का ऑप्शन नंबर कौन, ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज लाइफ साइकिल गैमेटोफाइट प्लांट होती है, ब्रायोफाइटा में गैमेटोफिटिक जो फेज होती है ना, वो गैमेटोफिटिक प्लांट होती है, वो डोमिनेंट होती है, बट वैस्कुलर प्लांट में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी मोस्ट डोमिनेंट होती है। तो इसमें क्या होती है, इसमें रिड्यूज हो जाता है गैमेटोफाइट जो होता है सबसे स्मॉलर हो जाता है किसमें, वैस्कुलर प्लांट में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट है, स्मॉलर एंड हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। तो ये चीज़ हो जाएगा, स्मॉलर सेक्स ऑर्गन हो जाते हैं गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें देखना है कि गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट,
मतलब फ्री लिविंग जनरेशन में इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट नहीं होता, तो वो होता है पाइनस, क्योंकि इसमें जो गैमेटोफाइट होता है ये जिम्नोस्पर्म का मेंबर है, तो गैमेटोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट नहीं होता, इंडिपेंडेंट नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 171 में पाइनस मेंबर जो जिम्नोस्पर्म का होता है, और जिम्नोस्पर्म में गैमेटोफाइट जो होता है डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, गैमेटोफाइट जो होते हैं इनके इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे। चलिए आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, और प्लीज़ आप लोग अगर पहली बार चैनल पे हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को तो लाइक ज़रूर करें, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और जल्दी जल्दी हम लोग सोच रहे हैं कि ये जो जितने प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये नीट के पहले हम लोग कर लें, फिर उसके बाद तो ये समझिए नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी जितने भी कॉलेज गवर्नमेंट हैं सभी यूनिवर्सिटी जो कराएंगे सब एकदम धाकड़ बैच चलेगा, और एकदम अच्छे से पूरी रिवाइज कराई जाएगी क्वेश्चन के साथ और थ्योरी कंसेप्ट के साथ। बट अभी आप लोग जो वीडियो पढ़े, जितने भी स्टूडेंट नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं ना, तो अभी ये सब क्वेश्चन आप लोग 100% करके जाइएगा। कोई क्वेश्चन अभी जितने भी प्रीवियस ईयर के मैं करा रहा हूँ नीट AIPMT के, सभी 100% आपको ये सभी क्वेश्चन रिवाइज करके जाना, लगभग 10-10 बार कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर क्वेश्चन ये करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, और बेस्ट वीडियो आप ही लोग के लिए प्रोवाइड करेंगे, तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल को क्रिएट किया गया है। थैंक यू।